Hello students, today we will start new fresh chapter of chemistry, that is acids, bases and salt. It is our second chapter of chemistry, acids, bases and salt. So everyone know in periodic table approximately more than 100 elements present in periodic table. 115 element present in periodic table when they chemically combine to each other. So definitely we have large number of compound. So on basis of their chemical properties, all compounds can be classified into three groups. First one is acids, second one is bases, and third one is salts. Actually jab compounds bante hain, so we don't know whether compound is related to the acids, whether the compound related to the base and whether the compound related to the salts. So in chemistry humne in compounds ko three category mein divide kiya hai, acids, bases and salts. Ab acids ko hum pehchanenge kaise? Ek main problem aati hai students ki how do we recognize that the particular compound is acid. Suppose I am new for chemistry and I am new for that compound. So how do I recognize the whether particular compound is acid, base or salt hai? So we have indicators. Ab indicators kya hote hain? Indicators actually tells us whether the substance we are testing is an acid or base by changing its color. Indicators actually hai kya, ye kuch indicate karte hain hame ki वो पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है, बेस है, क्या है एक्चुअली. अब उनके कलर चेंज होते हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है. इन केमिस्ट्री देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडिकेटर्स वी आर यूजिंग टू टेस्ट वेदर द पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड्स एंड बेसिस. फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड थर्ड वन इज द फिनोफ्थेलिन. सो तीन लिटमस पेपर्स हम यूज करते हैं, सॉरी तीन इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज, थर्ड वन इज फिनोफ्थेलिन. अब सबसे पहले लिटमस पेपर को लेते हैं. एवरीवन नो लिटमस पेपर, हम सिक्स क्लास से यूज कर रहे हैं लिटमस पेपर. दे आर द टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. ओके, अब हाउ डू वी नो दैट इज अ एसिड और बेस. सो अगर किसी सॉल्यूशन की ब्लू लिटमस पेपर पर एक ड्रॉप डाली, सो अगर ये रेड में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, सो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिड. अगर रेड वाले पर कोई ड्रॉप डाली गई, अगर वो ब्लू में चेंज हो गया, तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज बेस. यही इस पर टिक लगा रखा है, एंड एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड while base convert red litmus to blue. बेटा ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी आपको नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में और मुझे शो करना है आफ्टर वेकेशन. जब भी बेटा स्कूल रीओपन होंगे मैं आपको देखूंगा, आपकी नोटबुक को चेक करूंगा और मैं दोबारा से इस चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा. मेरा ऑलरेडी एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, मैंने सारे होमवर्क आपको करा दिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर है. इट्स न्यूट्रल कलर एक्चुअली पर्पल होता है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है बेटा वो पर्पल कलर का होता है. इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज. एक्चुअली लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन हमारी यूजर की कन्वीनियंस के लिए इसका कलर हम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इनका कलर ब्लू और रेड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना होता है. क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है एसिड्स और बेस फाइंड आउट करना होता है. कुछ अलग टाइप के बेटा इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज. ये बायोलॉजी लैब में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन.
जो मिथाइल ऑरेंज है, हाँ इसका बेटा न्यूट्रल कलर याद रखना है, ऑरेंज है। कभी कभी बोर्ड में बेटा, अब आजकल कभी कभी क्या, अब तो बोर्ड ने मल्टीपल चॉइस लगा दी है, सो ये याद रखना, लिटमस का जो न्यूट्रल कलर होता है वो पर्पल होता है, और मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज होता है। अब जब हम कलर चेंज करते हैं, सो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, व्हाइल येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन का बेटा नेचुरल कलर कलरलेस होता है, सो इट शोज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन, व्हाइल पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। एक और भी बेटा इंडिकेटर होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक पेपर, एक स्ट्रिप होती है, जैसे लिटमस पेपर होता है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रिप होती है, इससे हमें कलर्स पता लगते हैं। जैसे अगर सपोज दैट हमने इसमें लेमन क्या ड्रॉप डाली, लेमन नींबू, तो उसका कलर एक अलग शो करेगा। अगर हमने पानी की ड्रॉप डाली तो उसका कलर अलग शो करेगा। अगर हमने इवन इसमें ऑरेंज की ड्रॉप डाली तो ऑरेंज का एक अलग कलर शो करेगा। हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ड्रॉप डाली तो अलग कलर शो करेगा। सो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगा, और हम पहचानेंगे इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल। सो इसको हम, एक टॉपिक आएगा भी इसी चैप्टर में, पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, उसमें बाद में पढ़ाऊंगा। लिटमस पेपर के लिए बेटा एक दो लाइन और है। एक्चुअली ये एक पेड़, एक ट्री या प्लांट से बेटा तैयार किया जाता है, और इस प्लांट का नाम है लाइचेन, LICHEN। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LICHEN एज कंसर्न फॉर द एमसीक्यू। टर्मरिक, हल्दी, एवरीवन नो टर्मरिक इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। टर्मरिक क्या है, ये एंटी बायोटेक भी होता है, एवरीवन नो ना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। टर्मरिक हल्दी कंटेन्स येलो डाई, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। कभी कभी जब हमारे घर में कढ़ी बनती है, तो अगर हमारी व्हाइट शर्ट पर पड़ जाती है और वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, तो बेटा ऑरेंज कलर का हो जाता है, ये हमने चेक किया है, या रेड ब्राउन भी बोल सकते हैं उसको। सो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। कुछ ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, एक और है ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर्स है। द टर्म ओलाफैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ओला फैक्ट्री का जो मीनिंग होता है, इट इज रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। हमें कुछ, हमारे सामने कंपाउंड्स हैं और हमने अपने ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से हमने स्मेल करके इसको बता दिया, ये खट्टे हैं, ये थोड़े से कड़वे हैं, सेंस से हमें पता लग जाता है। सो जो ज्यादा खट्टे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो कड़वे होते हैं या जिनका स्वाद नहीं होता है, दैट इज बेस होते हैं। ठीक है, नमक है, सॉल्ट है, हमारे घर में रखा होता है, हम टच करके ही जब हमारे टंग पर आता है तो हम जान जाते हैं दैट इज सॉल्ट। सो कुछ इंडिकेटर्स इस टाइप के भी होते हैं। सो दो सब्सटेंस हुज स्मेल ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब जैसे एक इसमें दिया हुआ है, ऑनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ क्लोथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ऑनियन, मींस ऑनियन को एक्सट्रैक्ट करने पर ही पता लगेगा कि एक्चुअली सिलेबस में नहीं है ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर, सो लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट बेटा एक प्रॉब्लम है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई डोंट नो ये किस पेज नंबर पर है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक में है। आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हैं और आपके पास थ्री सॉल्यूशंस हैं, वी डोंट नो, और तीन सॉल्यूशन में से तीन बीकर्स में, एक बीकर में रखा हुआ है आपके पास एसिड है, दूसरे बीकर में रखा हुआ है बेस है, और थर्ड में रखा हुआ है न्यूट्रल मीन सॉल्ट है। अब वी डोंट नो कि किसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन ये पता है कि तीनों में से एक में सॉल्ट है, सेकंड में बेस है, और थर्ड में बेस एसिड है। सो वी हैव, हमारे पास इंडिकेटर्स से हम पहचान कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दैट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिड बेस और सॉल्ट। सो हम कैसे करेंगे, बाई लिटमस पेपर, इसको वही है,
मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर से कैसे, लिटमस पेपर की मैंने बताई हुई है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड व्हाइल बेस टर्न रेड टू ब्लू। आप क्या करेंगे, जैसे इसके लिए आप सपोज एट फर्स्ट ए ले लिया मैंने, ए जिस पर लेवल ए लगा हुआ है उसमें से एक ड्रॉप निकाली और एक रेड लिटमस पेपर पर टिप किया उस पर, अगर वो कलर चेंज कर रहा है तो ओके, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सोचिएगा और फिर इसको अपने नोटबुक पर लिखिएगा। हाँ, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड्स। एसिड्स क्या है? एसिड्स बेटा प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल। एसिड्स एवरी वन, एसिड्स क्या होते हैं, जैसे ये एक फिगर में दिया हुआ है, पिक्चर में दिया हुआ है, लेमन टेस्ट सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। जो लेमन है, हमने लेमन खाया हुआ है, हम नींबू पानी पीते हैं तो उसमें हमें पता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। सो ये खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एसिड पड़ा हुआ होता है, और एसिड कौन सा एसिड होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है, आजकल ऑरेंजेस हम खा रहे हैं तो ऑरेंज में ही बेटा एसिड होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सिट्रिक एसिड कम होता है, एंड दैट सिट्रिक एसिड इन टर्म ऑफ विटामिन सी, हम इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। दे ऑल्सो कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड, एक एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। सिट्रिक एसिड बहुत कम होता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड एज कंपेयर टू सिट्रिक एसिड ज्यादा होता है। सो द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। एक्चुअली जो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक और मिनरल्स होते हैं। सो ऐसे एसिड जो प्लांट्स में और एनिमल में प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ऐसे एसिड जो प्लांट मटेरियल और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। सेकेंड टाइप का एसिड है मिनरल एसिड। ऐसे एसिड्स जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट आर नोन एज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट एसिड यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द एसिटिक एसिड, अनदर नेम इज द एथोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। मैंने बताया था 9th क्लास में फॉर्मिक एसिड आंट में होता है, आंट, और आंट का लैटिन नेम है फॉर्मिका। तो ये फॉर्मिका आंट से, फॉर्मिका जो हमें येलो भी काट जाती है, सूजन हो जाती है, उसको फॉर्मिका एसिड को छोड़ दिया हम तक। एसिटिक एसिड फाउंड इन सिरका, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। सिट्रिक एसिड अभी मैंने बताया आपको, सिट्रस फूड सच है, जैसे लेमन आ गया, ऑरेंजेस आ गया। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सो मिल्क, जैसे कर्ड। टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टर्माइन, टर्माइन बोलते हैं बेटा इमली, या फिर ग्रेप्स में होता है। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टमेटोज, वेयर द फॉर्मिक एसिड, जिसको मैथोनिक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH, मैथोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला इज प्रेजेंट इन एंटिसिन एंड नेटल लीफ स्टिंग, ये वही है, येलो भी है। एंड सेकेंड टाइप बेटा मिनरल्स एसिड। मिनरल्स एसिड बेटा थ्री है, मेनली थ्री काउंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर व्हाट, वीक एसिड आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देयर आर थ्री स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज H2SO4 एंड थर्ड वन इज HNO3। यही है तीन स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन। आपके घर में जो इन्वर्टर बैटरी वाला जो बैटरा रखा हुआ है उसके अंदर एसिड भरा हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने देखा है जब भी जिस जहां कहीं भी रखा हुआ उसके नीचे एक प्लेट रखी हुई होगी प्लास्टिक की, अगर नहीं रखा हुआ होगा तो नीचे जो
सरफेस है वो वाइट वाइट कलर का हो गया होगा, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है हमेशा। अच्छा नेक्स्ट बेटा वीक एसिड। वीक एसिड जो आप खाते हैं जैसे पिकल्स में हम खाते हैं, सिट्रिक एसिड नींबू खाते हैं हम, ऑरेंजेस खाते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, इमली भी खा लेते हैं, ठीक है, ग्रेप्स खाते हैं, सो टार्ट्रिक एसिड, ये सारे एसिड, फॉर्मिक एसिड, चींटी भी काट जाती है ये, और अदर एसिड, इन तीनों के अलावा जितने भी एसिड हैं सारे वीक एसिड बोले जाते हैं। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, डू यू नो दैट कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। कंसंट्रेटेड एसिड ये मैंने 9th क्लास में आपको बताया था, जिसमें पानी बहुत कम हो, वाटर बहुत कम हो। अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, व्हाइल द डाइल्यूट एसिड इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। एक बेटा क्वेश्चन आता है, हाउ वी प्रिपेयर डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कंसंट्रेट एसिड, हम कैसे बनाएंगे डाइल्यूट एसिड फ्रॉम कंसंट्रेट एसिड, क्या करेंगे। हाँ बेटा देखो, एक फिगर ये दिया हुआ है कि अगर हमारे पास डाइल्यूट एसिड हमने सॉरी कंसंट्रेट एसिड हमने किसी भी चाइना डिश में रख लिया और उसमें एक-एक बूंद करके डाली गई है, सो इट इज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा उसमें से हीट निकलेगी, और जैसे पिक्चर दी हुई है ये आपका फेस या आपके कपड़ों पर पड़ सकता है, आपके हैंड पर पड़ सकता है, फिंगर पर आ सकता है, नीज आप इससे जल सकते हैं, लेकिन पानी में एक-एक बूंद करके अगर आप डालेंगे डालेंगे सो इट इज बेटर आइडिया, इट इज बेटर आइडिया। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या है, ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम है। सो फर्स्ट वन इज एसिड्स हैव सो टेस्ट, ये खट्टे होते हैं स्वाद में। सेकेंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर जाते हैं, तो और इन सॉल्यूशंस को बोला जाता है, इन एसिड सॉल्यूशंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर HCl में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इजीली फ्लो हो जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलेट्स। एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल मेक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल कौन सी, सपोज दैट मेटल जिंक है। एसिड कौन सा, अगर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड लिया है, डाइल्यूट एसिड लिया है, बनेगा क्या, सॉल्ट जिंक सल्फेट एक्वस। एक्वस मैंने क्या बताया था, अगर सॉल्वेंट वाटर हो एंड हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनेगी। ये मैंने देखो आपको प्रैक्टिकल कराया भी था, अगर याद हो 9th क्लास में जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे और उसमें H2SO4 की जगह HCl डाला था, एसिड तो कोई सा भी डाल सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकली थी, मैं मैच बॉक्स के साथ खड़ा हुआ था और फिर पॉप की साउंड सुनाई दिया था, या पॉपअप की साउंड सुनाई दी थी आपको याद हो तो। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे एसिड ने अगर
रिएक्ट हुए मेटल कार्बोनेट के साथ, तो सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अगर एसिड रिएक्ट हुए मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तब भी सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 के साथ एसिड रिएक्ट हुआ, दैट इज HCl, तो क्या फॉर्म हो रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2। ये तो आप बैलेंस कर ही लेंगे इक्वेशन को। एक और है बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक हमने सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। HCl के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या बन रहा है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ऐसे ही बेटा कुछ और अदर रिएक्शंस भी दिए हैं। अगर ये जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताई थी आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं से पास करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, यस प्रेसिपिटेट मींस मैंने बताया था सॉलिड जिसमें बहुत कम वाटर हो, और वाटर बनता है। ठीक है, एक और, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराऊं और वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, तो CaHCO3 का ओल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर, ये बनता है एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तब की बात है। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है बेसिस के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग जब किया था अपने लेक्चर का, तब मैंने बताया था इनोपीन है, तो न्यूट्रली तो कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एवरीवन प्लीज मेंशन इन योर माइंड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस साल का बोर्ड का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई है, इसको लर्न करना ही है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस, देखो ये बेस वाली प्रॉपर्टी में भी ये रिएक्शन काम आएगी, और एसिड में तो पता ही रहा हूं मैं आपको, इस बेस का सेकंड नेम याद करके रखें एल्केलीज, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। हमने एक एग्जांपल खुद से देखा, देखिए आप, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन केमिकली रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सेवन, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड किसी भी मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर एक वर्ड फॉर्मेट मैंने रिएक्शन लिखी है, और इसकी इक्वेशन है CuO प्लस HCl, ये कॉपर ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का होता है। जब सॉल्ट बनेगा तो कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लस H2O। एसिड है कोरोजिव नेचर, डू यू नो दैट? कोरोजिव नेचर, एसिड अगर किसी भी पॉट में रखा हुआ है तो उसमें जंग लग जाती है, ये कोरोजिव होता है नेचर में, कोरोसिव होता है। ये बेटा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक से, तो इनको आप कीजिएगा, ये पेज नंबर 22 पर है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके होमवर्क के लिए है। और एक है क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई डोंट नो किस पेज नंबर पर है, ये भी आपको क्वेश्चन करना। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपसे बात करूंगा, और कल मैं ऑनलाइन भी होगा। यस, टिल देन, बाय।